हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्पेस। स्टडी स्पेस में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा वीडियो एक ब्रेकिंग न्यूज़ पे बेस्ड है, जो कि 10th और 12th के CBSE पेपर्स के बारे में है। जैसा कि अब तक आप सबको पता चल ही गया होगा कि 10th का मैथ्स का पेपर और 12th का इकोनॉमिक्स का पेपर लीक हो चुका है, और ये दोनों पेपर ही सस्पेंड कर दिए गए हैं। इसका मतलब ये है कि री एग्ज़ाम होगा। अब री एग्ज़ाम की जो डेट्स है, वो HRD मिनिस्ट्री ने बोला है कि वो जल्द से जल्द विद इन अ वीक अनाउंस करेंगे। न्यूज़पेपर में कुछ इस टाइप से न्यूज़ आई थी, थोड़ा सा उसकी तरफ भी देख लेते हैं। लगभग 13 दिन में 4 पेपर व्हाट्सएप पर सर्कुलेट हुए हैं, 4 पेपर जिसमें अकाउंट्स का पेपर भी संदेह के घेरे में है कि 12th अकाउंट्स का पेपर भी लीक हुआ है। तो अब तक तो CBSE मना करता रहा, बट फाइनली अब CBSE ने एक्सेप्ट कर लिया है कि 10th का मैथ्स और 12th का इकोनॉमिक्स का पेपर तो ज़रूर लीक हुआ है, और इस पेपर दोनों पेपर को रद्द किया जाता है। अब इससे हुआ क्या है, लगभग 24 लाख बच्चों पर असर आया है। 24 लाख कैसे, अराउंड 16 लाख के आसपास तो 10th के बच्चे हैं और अराउंड 8 लाख के आसपास 12th के बच्चे हैं जिन्हें पेपर वापस देना पड़ेगा। तो CBSE का कहना है कि जल्द से जल्द विद इन अ वीक नई डेट्स अनाउंस करी जाएगी कि पेपर कब वापस होगा, बट पेपर वापस तो ज़रूर होगा, ये तो डिक्लेयर हो चुका है। सरकार ने ये भी बोला है कि अब लीक प्रूफ सिस्टम लगाएंगे, थोड़ी सी सख्ती और बढ़ती जाएगी, इस टाइप की घटना बाद में अगली बार ना हो। बट ओवरऑल अगर हम एजुकेशन सिनेरियो की बात करें तो ये कोई नई बात नहीं है, ऐसा पहले भी हुआ है। अराउंड 2008 में भी एक बार पेपर लीक हुआ है और 2011 में भी लीक हो चुका है। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट इन फ्यूचर। टाइम्स ऑफ इंडिया में भी सेम आर्टिकल आया है, आप वीडियो पॉज करके इसे भी पढ़ सकते हैं। अब क्योंकि मैथ्स और इकोनॉमिक्स दोनों ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो काफ़ी टफ होते हैं, तो बच्चों के लिए ये काफ़ी दुखमय न्यूज़ है कि पेपर वापस देना पड़ेगा उन्हें। बट मेरा सबसे यही रिक्वेस्ट है कि टेंशन मत लो, इस चीज़ को अगर हम पॉजिटिवली लेना चाहें तो ले सकते हैं। और तरीका ये है कि अगर आपके थोड़े भी मार्क्स कम आने के चांसेस हो तो आपके पास एक और मौका है, क्योंकि 12th के परसेंट बहुत मायने रखते हैं। तो 12th इकोनॉमिक्स में जो भी बच्चे हैं वो अपना स्कोर सुधार सकते हैं, पेपर लगभग वही लेवल आएगा, कोई टफ नहीं आएगा, इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है। 10th मैथ्स का भी बच्चों के पास एक और मौका है, ये दूसरा पहलू है। एक पहलू आप टेंशन लेके ले सकते हैं और दूसरे पहलू में हम ऐसी बात भी सोच सकते हैं। तो आई होप आप टेंशन नहीं लोगे, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, जो होगा तो वो सबके साथ ही होगा। तो इसलिए हम ये मान के चलें कि जो भी आगे होना है वो अच्छा ही होगा, और उससे हम अपने परसेंटेज और इम्प्रूव कर सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस वंस अगेन, एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल सून फॉर मोर सच अपडेट्स। थैंक यू।